कोरोना संक्रमण के बीच 56 लाख छात्रों के हित में फैसला लेते हुए यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि साल 2021 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं संक्रमण के हालात ठीक होते हैं तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं के बोर्ड परीक्षा को किया जा सकता है। 12वीं की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और केवल 3 सवालों का ही उत्तर देना पड़ेगा। आपको बता दें 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल 26,10,316 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है, तो वहीं क्लास 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया। 10वीं की परीक्षा कैंसिल होने का फायदा 29,94,312 बच्चों को मिलेगा। हालांकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए ऑनलाइन और टीवी चैनलों के माध्यम से सरकार ने पढ़ाई की भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही 29 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे जिनमें टीचर्स, प्रिंसिपल और छात्रों के लिए बनाए गए सिलेबस को पूरा किया गया था। तो छात्र हित में बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है। सब कुछ ठीक रहा, कोरोना की रफ्तार यदि कम रही, संभले हुए हालात रहे तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं की परीक्षा हो सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है, जबकि 10वीं के बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। सभी छात्रों को 11th क्लास में ऐसे ही प्रमोट किया जाएगा, जबकि 12वीं के लिए खबर आ रही है कि जुलाई में हो सकती है 12वीं की बोर्ड परीक्षा। 1.5 घंटे की यह पूरी परीक्षा होगी जिसमें 3 सवालों का जवाब छात्रों को देना होगा। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, नोएडा से बलराम पांडे हैं और साथ ही लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का, अनुभव शुक्ला हमारे साथ है। अनुभव, 10th क्लास के बच्चों को तो ऐसे ही प्रमोट करेगी सरकार, लेकिन 12th के एग्जाम को लेकर कहा जा रहा है कि हालात यदि संभलते हैं तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं। हालात कैसे संभलेंगे? मसलन वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करना पड़ेगा और जिस अनलॉकिंग पर अभी विचार कर रहा है वहां पर भी सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि जुलाई में भी यदि एग्जाम नहीं होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी 12वीं के छात्रों के लिए। देखिए, कल जो फैसला लिया है सरकार ने कि जो 10th क्लास के यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है वो नहीं होंगे, 29.5 लाख से ज्यादा जो छात्र है वो प्रमोट हो जाएंगे 11th क्लास में, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब यूपी बोर्ड में 10वीं के एग्ज़ाम नहीं होंगे, और ये स्थापना वर्ष है, 100वां स्थापना वर्ष है, और 100वें स्थापना वर्ष में पहली बार हो रहा है कि 10th के जो एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे। अब सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर आपको एक दिखाएं। देखिए, ये झूलेलाल मैदान में हम मौजूद हैं, तमाम सारे जो स्टूडेंट हैं चाहे वो 10th के हों वो काफ़ी रिलैक्स हैं, और जो 12th के हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम और टल गया है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में पहुँचे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तारिब है। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? हम 12th के। अब कहा जा रहा है कि जुलाई में अगर सब स्थितियां ठीक रहीं तो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, इसीलिए आप थोड़ा रिलैक्स हैं क्योंकि आज आप मैदान पर भी हैं क्रिकेट खेलने? जी, हम लोग सुबह इसीलिए क्रिकेट खेलने आते हैं, एग्ज़ाम टल गए, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो इसलिए आते हैं। तो अब पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए और समय आपको लग रहा है मिल जाएगा? समय तो नहीं मिला है, तैयारी हो नहीं पाएगी इतने समय में, तो पेपर कैसे दे पाएंगे हम लोग। लेकिन एक डर रहेगा जब एग्ज़ाम में जाएंगे, कोरोना का डर रहेगा? जी, कोरोना में सरकार ने 10वीं के तो परीक्षाएं टाल दी हैं, आपको क्या लग रहा है 12th का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था? जी बिल्कुल करना चाहिए, 10th के जब कैंसिल हुए हैं तो इंटर के बच्चे भी, तो किसी के खांसी बुखार अगर किसी के है तो अगर किसी ने छींक दिया वहाँ सारे बच्चे चले जाएंगे, टीचर्स नहीं आएंगे तो पेपर देने में कैसे देंगे? जी अनुभव, आपसे अगर जाने, आपके भाई का भी आप कह रहे थे कि 12th है, तो सरकार ने जुलाई का वक्त कहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम कराएंगे, इस फैसले को आप सही मानते हैं या इसको भी टालना चाहिए था या प्रमोट करने जैसा इसमें भी ऑप्शन देना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो जो है इसको मतलब रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना टाइम हो गया है और बच्चे अपनी स्टडी करके बहुत थक चुके हैं, मतलब अब इतना नहीं होता है क्योंकि अब इतनी प्रिपरेशन नहीं करी जाएगी, तो हमारे हिसाब से तो मतलब उसको रद्द कर देना चाहिए। ठीक है अनुभव, लौट रहे हैं आपके पास, वो कह रहे हैं कि बच्चे थक गए हैं परीक्षा को। दूसरा सवाल एक ये है, चूंकि छात्र वहाँ पर ये खेल रहे हैं और परीक्षा देते टाइम तो कोरोना का डर है लेकिन खेलते हुए नहीं है, आपके पास लौट रहे हैं शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता उनके पास भी जाएंगे, लेकिन मोइन आपके पास आना चाहते हैं। प्रयागराज, छात्र किस तरीके से ले रहे हैं, अभिभावक किस तरीके से इस फैसले को ले रहे हैं, और जो 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है
किन पैमानों पर उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि साइंस लेनी होती है, कॉमर्स लेना होता है, आर्ट्स लेना होता था, पहले तो अंकों के आधार पर तय कर देते, कई टीचर तय कर देते थे, छात्र तय करते थे, अब कैसे होगा तय? जी बिल्कुल, दसवीं के छात्रों को प्रमोट करने का जो फैसला लिया गया है उस पर लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया छात्रों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से जताई जा रही है। जो कमजोर छात्र हैं वो तो इस फैसले से खुश हैं, लेकिन जिन छात्रों ने साल भर मेहनत की थी उनको लगता था कि वो उनको ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, यानी जो होनहार स्टूडेंट्स हैं वो इस फैसले से थोड़ा निराश हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित रानी रेवती देवी स्कूल में, हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, और सरकार ने तो परीक्षा टाल दी है, आपको प्रमोट करने का फैसला किया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमने तैयारी तो बहुत की थी, लेकिन अब हेल्थ भी तो जरूरी है, अब ये सब देखते हुए सरकार ने सही डिसीजन लिया है। अब थोड़ा दुख है इस बात का कि पेपर नहीं हो रहा है, बट अब हेल्थ भी थोड़ा जरूरी है। बिल्कुल, जीवन बचाना भी जरूरी है, इसको ये बच्चे मान रहे हैं। आप बताइए कि साल भर किस तरीके से मेहनत की थी, क्या तैयारी थी, और लगता है कि जितनी मेहनत की थी अब उतने नंबर मार्कशीट पर चढ़ेंगे? जितनी हमने तैयारी की थी उतनी तो इंटरनल एग्जाम से पास हो जाएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उतनी तैयारी जितना हम लोग ने की थी तब स्कूल के तरफ से शायद मिल सके। हम लोग ने बहुत मेहनत की थी एक साल के साल भर पढ़ाई में। आप बताइए, आप तो टीचर हैं यहाँ पर मनोज जी, किस तरह की तैयारी बच्चों ने की थी और क्यों ये बच्चे निराश हैं प्रमोट होने के बावजूद? बच्चों ने बहुत मन से तैयारी की थी, चूँकि देखिए कोरोना महामारी है इसलिए बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चों ने इस बार बड़े मन से तैयारी की थी, चूँकि हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है अपने आप में बहुत मायने रखता है, ये इनके एक जीवन भर की पूंजी होती है। तो बच्चों के मन में निराशा है, निराशा के साथ साथ एक वो है कि सरकार ने कम से कम हम सभी बच्चों के लिए पूरे छात्र छात्राओं के जीवन के बारे में सोचा, हेल्थ के बारे में सोचा, इसलिए बच्चे बहुत आक्रोशित नहीं हैं, लेकिन मायूस हैं बच्चे। जी बिल्कुल, अभिभावक भी हमारे साथ हैं। सर आप बताइए कि आपके बच्चे जो है वो प्रमोट तो हो गए हैं, क्या कहना है आपका? कोविड की वजह से जो सरकार ने फैसला लिया है ठीक ही किया, एक्चुअली बच्चों को जीवन भी बचाना है मुझे, पेरेंट्स हैं। तो बिल्कुल, जो होनहार छात्र हैं उनके परिवार वाले हैं वो थोड़ा मायूस हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा करना बेहद जरूरी था क्योंकि जीवन को बचाना है। दसवीं क्लास के स्टूडेंट्स की उम्र ज्यादा नहीं होती है, वो उतने सजग उतने सतर्कता नहीं बरत सकते हैं, इसलिए सरकार ने जो फैसला किया है वो बेहद जरूरी था और ये संतोष देने वाला है। बिल्कुल, रुक करेंगे बलराम पांडे का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आपके पीछे कुछ लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यदि आप उनसे पूछ पाए कि सरकार जिस फैसले पर विचार कर रही है, मसलन 10th के बच्चों को प्रमोट करना और 12th के एग्जाम सब ठीक रहता है तो जुलाई के सेकंड वीक तक करा देना, इनका क्या सोचना है, क्या कोई सजेशन ये लोग देना चाहेंगे या इससे सहमत हैं? बिल्कुल आस्था, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी को देखते हुए हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनको प्रमोट किया है, और हमारे साथ जो छात्र इस वक्त मौजूद हैं आस्था, वो सभी हाई स्कूल के हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के इस कदम को वो किस नज़र से देखते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज नागर। नागर जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को प्रमोट किया, आप 11वीं में चले गए हैं, तो क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी के इस कदम को देख? मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं आगे ये चाहूँगा मैं बहुत अच्छी तैयारी करूँ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तैयारी करें। आपका क्या नाम है? अरुण। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी के इस कदम को? मुख्यमंत्री जी के इस कदम से हम बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, जिस कदम से इन्होंने ये काम किया है, हमें और हमारे परिवार को इस महामारी से बचाया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि हम सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें आगे बढ़कर, और भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बिल्कुल, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा रिजल्ट लेके आए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी के दौरान आप लोगों को एक मौका दिया है कि ना संक्रमित हों और पढ़ाई अच्छे से करें। मेरा नाम मयंकार रे जी, मैं मुख्यमंत्री के इस कदम से बहुत खुश हूँ, उन्होंने एक कदम लिया है। अगर हम किसी सेंटर पर पेपर देना चाहते तो हम वहाँ पर संक्रमित हो सकते थे, हमें नहीं पता कौन बच्चा संक्रमित है कौन नहीं, इससे हमारा परिवार संक्रमित होता था और गांव भी, इससे महामारी बहुत फैल जाती, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हर कोई मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा कर रहा है, आप क्या कहेंगे? आप एग्ज़ाम देना चाहते थे या इस कदम से आप खुश हैं? जी, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, एग्ज़ाम तो देना चाहते थे क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो भी ये फैसला लिया है हम लोगों को कोविड 19 से बचाने के लिए
जो फैसला लिया है सही लिया जी बलराम। बिल्कुल आस्था, और जो ये बच्चे हैं ना, इनके तो अभी वैक्सीन भी नहीं लगी है, क्योंकि वैक्सीन इन लोगों के लिए आई नहीं है, और लगातार ये जो बच्चे हैं वो इसी बात का धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि कम से कम इस महामारी से वो बचे हैं। जी हमको अभी वैक्सीन भी नहीं लगी और हम कोरोना संक्रमित हो जाते तो हमारा क्या होता, इसलिए हम उनका योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने 10वीं की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। लेकिन 12वीं की परीक्षा अगर स्थिति सही रही तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगी, आप उसको सही मानते हैं या वो भी रद्द होनी चाहिए थी? वो भी सही है, अगर केस कम मिल रहे हैं तो हो जानी चाहिए। ठीक है बलराम, कुल मिलाकर जो छात्र हैं वो तो खुशी दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा राजीव की लगातार जो बच्चे हैं उनका साफ तौर से यही कहना है, ये एक आम धारणा भी है। शक्ति के पास चलते हैं, वाकई शक्ति आम धारणा है, हम अगर अपने देश की बात करें तो एग्जाम कैसे बचा जाए उससे जो है कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं छात्र, और यही यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे प्रमोट कर दिया तो बहुत खुश है, तो वहाँ पर भी क्या ये धारणा है, क्या खुश है वहाँ पर लोग कि प्रमोट कर दिया गया है, या थोड़ी सी नाराजगी है कि अब एग्जाम में बैठते ज़्यादा अच्छे नंबर आते, ज़्यादा अच्छी रैंक मिलती तो अच्छे स्कूल में होता, और साइंस से जो उनकी मनपसंद सब्जेक्ट है वो लेते वो। देखिए राजीव, कोरोना काल में कोई भी ऐसा छात्र या छात्राओं की बात करें तो स्कूल नहीं जा पाए, घर बैठ के ही उन लोगों ने पढ़ाई की है। हालांकि जो 10वीं के जो बच्चे प्रमोट किए हैं उसके बाद अब जो 12वीं के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे साथ हैं छात्र और छात्राएं हमारे साथ हैं, एक छात्रा है हमारे साथ, क्या मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। आप 12th में हैं, क्या चाहती हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो तो प्रमोट कर दिए गए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे सरकार ने 10th क्लास के लिए सोचा, हम चाहते हैं हमारे लिए भी कुछ सोचें, वो 12th के एग्जाम हो। चाहते हैं कि एग्जाम ना हो? हाँ जी। देखिए और कहते हैं छात्र भी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, आप घर में रहे, एक साल से कोरोना चल रहा है, तो क्या आपकी तैयारी कैसी रही और अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं और क्या चाहते हैं? हम कोरोना की वजह से पढ़ने अच्छे से, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे 10th क्लास वालों को पास किया गया ऐसे 12th क्लास वालों को भी पास किया जाए, क्योंकि ना तो हमें क्लास मिली, ऑनलाइन क्लास में कोई पढ़ाई नहीं हुई, ना कोई ट्यूशन हुए, इस वजह से हम भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभिभावक भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए? मैं चंचल चौहान, जैसे 10th क्लास के बच्चों को योगी जी ने पास किया है, प्रमोट किया है, वैसे ही कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है तरीके से, और हम ये चाहते हैं जैसे 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया गया है वैसे ही इंटर के बच्चों को भी, 12वीं क्लास के बच्चों को भी इसी तरीके से सामने आए हैं, चाहे स्टूडेंट से अभिभावकों से बात की, वो यही कह रहे हैं कि प्रमोट कर दीजिए, आपने 10वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट किया, 12th को भी कर दीजिए। शक्ति आपका, बलराम आपका और मोइन आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।